This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purposes. हे व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन से इश्यूज़ के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जहाँ पे कि लोगों को अननोन नंबर से कॉल करके परेशान किया जाता है। जनरली गर्ल्स की तरफ से मुझे ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि उनको लोग अननोन नंबर से कॉल करके परेशान कर रहे हैं, या हो सकता है इंडियन नंबर हो या इंटरनेशनल नंबर हो, उनके द्वारा ब्लॉक कर दिए जाने पर वापस से वो दूसरे नंबर से कॉल कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरी इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि वो किस तरीके से करते हैं, और उनसे अगर हमें अपने आप को बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, और ये जनरली कई बार थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और कई सारे स्क्रिप्ट के हेल्प से भी करे जाते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे मैं एक वेबसाइट के थ्रू करके दिखाना चाहता हूँ। सो आप इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से लें, और ताकि जाने किस तरीके से की जा रही है, अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। तो इस जो वेबसाइट है, इसकी डिस्क्रिप्शन से मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, कॉल्स फोन का ऑप्शन एक आ रहा है, यहाँ पे हम सेंड टेक्स्ट कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। फ्री वाले में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है, बट हाँ, इससे हम बार बार क्लियर कैचन आईपी मैक को चेंज करके बार बार इसका यूजर इस्तेमाल करते हैं, और इनमें जनरली 3 मिनट तक फ्री कॉलिंग के फीचर्स मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर इसको हम ब्लॉक करते हैं, दोबारा से इससे जब कॉल जाएंगे तो दूसरे नंबर से जाते हैं, और इससे इंडियन नंबर हम लोगों को मिल जाते हैं। सो हम कॉल फोन पर क्लिक करते हैं। कॉल फोन पर क्लिक करने पर हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, आप देख सकते हैं फ्री कॉल का। यहाँ पर नेम पर हमने डाल दिया स्लाइथ्रीन डाल दिया अपने, हमने स्लाइथ्रीन इंडिया चैनल का नाम हमने डाल दिया, राइट। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करते के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, और जिस भी विक्टिम को हम कॉल करना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पे पुट ऑन कर रहे हैं। ये टोटली फ्री है, और 3 मिनट तक हम फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डेली के जो है इसके लिमिट डाले गए हैं, बट उसको हम क्लियर कैच करके सारे लोग आजकल इनफ स्मार्ट है, उनको बाईपास करके लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना नंबर डालूँ, इससे पहले मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करता हूँ, लेट्स सी कि हमें किस तरीके से कॉल आते हुए नज़र आते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करता हूँ। सो आपको पैरेलली मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होंगी, राइट। सो यहाँ पे हमने अपने नंबर्स को पुट किया, हम अपने नंबर्स को पुट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपने नंबर डाल दिए, एंड मैं कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और अभी जो है कॉल हमारा कनेक्ट होगा। सो लेट्स सी कि किस तरीके से कॉल आते हैं। आप देख सकते हैं पैरेलली कॉल इन स्लाइस हो रहे हैं, स्टार्टिंग VoIP इंजन्स, और लेट्स सी कॉल इन प्रोग्रेस। वेट करते हैं थोड़ा। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे जो है डेस्कटॉप रिंग होना शुरू हो गए हैं, और दूसरे साइड पे आने शुरू हो गए। यहाँ पे एक इंडियन नंबर शो हो रहा है हम लोग, अगर मैं इसको रिसीव करता हूँ तो हम 3 मिनट तक बातचीत। तो अगर मैंने इसको अभी मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं, मैंने इसको कट कर दिया। हम सब ने देखा गाइज अभी किस तरीके से यहाँ पे कॉल आते हैं हम लोगों को, अगर हम बातचीत करना चाहें तो बातचीत भी कर सकते हैं। एंड दोबारा से मुझे कॉल करनी, मैं दोबारा से कॉल फोन के ऑप्शंस पे जाऊँगा, और जो डेली लिमिट दी जाती है 2 से 3 बार हम एक दिन में हम कॉल कर सकते हैं, तो उस तरीके से हम बार बार कॉल कर सकते हैं। और ये काम हम अपने मोबाइल फ़ोन पर भी इस वेबसाइट पर विजिट करके काम कर सकते थे। सो इस तरीके से लोगों को परेशान किए जाने वाले जो है तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स एंड एप्लीकेशन होते हैं। सो अब बातचीत करते हैं कि अगर इन जैसे कॉल समय रिसीव्स होती हैं तो क्या करना चाहिए। बेसिकली ये VoIP फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो इनको रोक पाना जो है हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कई ऐसे एप्लीकेशन है जिनके हेल्प से हम इन सब चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं। सो मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, आई नो कि बहुत सारे पर्सन को पता होगा, दिस इज़ अ ट्रू कॉलर एप्लीकेशन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे डेस्कटॉप पर। और इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद जो है लेफ्ट साइड में सेटिंग्स के ऑप्शन पर हमें जाना है, एंड देन मैंने यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक किया। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने पे आप पैरेलली आप देख सकते हो मेरे मोबाइल फ़ोन पे आपको देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबसे नीचे जब हम करेंगे तो ब्लॉक का एक ऑप्शन आता है, राइट। हमने ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने पे ब्लॉक टॉप स्पैमर्स, इसको हम ऑन कर सकते हैं। ब्लॉक हिडन नंबर, आप देख सकते हो नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक एनी नंबर्स दैट इज़ सोन एज प्राइवेट और अननोन, ऐसे नंबर आते हैं तो उनको हम
ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक नंबर फॉरेन फॉरेन कंट्री, अगर अदर कंट्री से इंटरनेशनल नंबर आ रहे हैं तो उनको हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ब्लॉक कर लेंगे, या फिर तो ब्लॉक द फोन नंबर नॉट इन द फोन बुक। बट हाँ, अगर हम अननोन नंबर कोई ब्लॉक करते हैं तो कई बार हमारे नोन पर्सन कॉल कर सकते हैं, बट जिस टाइम पे अटैक्स हमारे फोन पे की जा रही होंगी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम सारे अननोन नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, कि हम सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लोग परेशान करने का काम किया करते हैं, काफ़ी इजिएस्ट वे मैंने बताया वेबसाइट की हेल्प से, और जो थर्ड पार्टी अल्टरनेट्स होते हैं उनकी हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनके थ्रू काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से भी परेशान किए जाते हैं। सो आई होप कि सारे लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अब आपको जो है इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानना है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो वीडियोस हमारी जल्दी आएंगी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय।